बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत जब से बीजेपी में सांसद बनी है उसी वक्त से वो अपनी बेबाक भाषण को लेकर हमेशा ट्रोलिंग का शिकार होती रहती है। लेकिन इस बार कंगना की इसी बेबाकी के चलते उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। जी हां, एक्टर और बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने निरस्त किए गए 3 कृषि कानूनों को फिर से लागू करने को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से उनको अपनी ही पार्टी से भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बीजेपी ने खुद को कंगना के बयान से अलग थलग कर लिया है, जिसके बाद कंगना को अपने दिए गए बयान पर आगे आकर सफाई देनी पड़ी। कंगना ने वीडियो जारी कर कहा कि वो अपने शब्द को वापस लेती है। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू।